हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के सागर ऑफिशियल में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज निकली हैं और कौन से डिपार्टमेंट में निकली हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी भाई चैनल पर नया है तो चैनल को यहाँ पर कर दो सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूले, ताकि जब भी कोई मैं ऐसी वीडियो लेकर लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, चलो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो गाइज, हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो गाइज नोटिफिकेशन निकली है, तो वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेटेड 4 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन निकली है। और किस डिपार्टमेंट में निकली है, क्या निकली, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटिस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 44 टेक्निकल एसोसिएट ऑफ, यानी टेक्निकल एसोसिएट की जो गाइज वैकेंसीज निकली हैं ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, फॉर FSI सेल्स इन वेरियस स्टेट्स यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। पूरी इंडिया की बात की गई इसमें, जिसमें स्टेट्स में भी कुछ निकली हैं, कुछ यूटीज़ में, जैसे हमारे J&K यूटी, हमारे J&K में कितनी निकली, और सबको डिस्कस करते हैं गाइज नीचे। तो गाइज, अब मैं नीचे आपको सीधा दिखा सकता हूँ कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं, सबको डिस्कस करते हैं नीचे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे बात करते हैं हम फर्स्ट नंबर पे टेक्निकल एसोसिएट, टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसीज निकली हैं। कितनी वैकेंसीज हैं गाइज, सारी 44 वैकेंसीज हैं। और जो गाइज पे स्केल है तो वो क्या है, आप देख सकते हैं आप 31,000 प्लस। और उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है गाइज, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी साइंस सब्जेक्ट, MA ज्योग्राफी, आप किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में, यानी आपकी PG होनी चाहिए, और साथ में अगर आपकी MA है किस में, ज्योग्राफी में, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन IT, BTech इन एक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और इसके बाद गाइज, इसकी एज लिमिट की बात, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें, एसेंशियल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस इन DIG GIS रिलेटेड वर्क इन फॉरेस्ट एंड अदर एलिगेट एरियाज़। इसमें बोला गया कि आपको 6 मंथ का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए DIG में GIS रिलेटेड वर्क, यानी फॉरेस्ट एरिया के उस डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स, अपर एज जो गाइज है वो 30 ईयर है। उसके बाद गाइज नीचे बात करते हैं अब कि कितनी वैकेंसीज है, सबको डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइज स्टेशंस ऑफ पोस्टिंग, नंबर ऑफ पोस्ट, अब स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पे सारी वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे बात करते हैं हम हरियाणा की, यहाँ देख सकते हैं हरियाणा लिखा हुआ, हिमाचल, उसके बाद गाइज जो हमारी J&K वाली स्टेट आती है, यानी यूनियन टेरिटरी आती है, जम्मू कश्मीर, ये देखिए। और गाइज तो J&K में जो वैकेंसीज हैं तो वो एक है, और बाकी हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरीज में वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं।